अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका फ्लैश एनिमेशन का टीचर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फ्लैश एनिमेशन में रहते हुए एक नेक्स्ट फ्लैश की एनिमेशन। वो क्या एनिमेशन है नेक्स्ट फ्लैश की, ट्राई करते हैं। कंट्रोल टू। अभी तक हमने सीखा था मोशन ट्वीन का, आज हम जानेंगे शेप ट्वीन। शेप ट्वीन का मतलब होता है कि आपने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, ठीक है, जैसे कि ये मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, और मैं अब इनको ड्रॉ करता जाता हूँ। कुछ भी ड्रॉ किया आपने, ठीक है, एक लेयर के ऊपर, मतलब एक फ्रेम के ऊपर आपने चंद चीज़ें ड्रॉ की, उसके बाद आपने अगले फ्रेम पे क्लिक करने के बाद आज आपने F6 की जगह F7 कर देना है। F7 का मतलब होता है ब्लैंक फ्रेम। देखो, जब आप देखो, मैं दोबारा F6 करूँगा ना, जो मैंने कंट्रोल ही किया है, 45 पे क्लिक करके मैं F6 करता हूँ, तो आपको ये चीज़ें आगे भी नज़र आ रही हैं कंट्रोल ही, लेकिन मैं क्लिक करके F7 करता हूँ तो पिछली चीज़ें गायब हो जाती हैं, सिर्फ अगली चीज़ रह जाती है। अब यहाँ मैं बड़ा सा सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ जस्ट, तो एक आपने ड्रॉ किया सर्कल, कुछ यूँ, इस फ्रेम के ऊपर ये शेप्स हैं, इस फ्रेम के ऊपर ये शेप्स हैं, इनके सेंटर में क्लिक करके अब आपने राइट क्लिक नहीं करना, ये देखो। और एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि दोनों चीज़ें अनग्रुप होनी चाहिए, ग्रुप नहीं होनी चाहिए। देखो, इस पर क्लिक करने से डॉट्स आ रहे हैं ना बने हुए, और इस पर क्लिक करने से भी डॉट्स आ रहे हैं, मतलब दोनों चीज़ें अनग्रुप हैं, दोनों की भी कोई आउटलाइन नहीं बनी हुई आ रही, तो बाय डिफ़ॉल्ट भी ग्रुप को कोई होता भी नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अन ग्रुप के ऊपर शेप ट्वीन अप्लाई की जाती है। अब इसके सेंटर में क्लिक करके आप इसके जाओगे नीचे से प्रॉपर्टीज़ में, और यहाँ एक ऑप्शन लिखी आती है ट्वीन। प्रॉपर्टीज़ में जंप किया तो लिखा है ट्वीन, यहाँ नन लिखा आ रहा है, आप इस नन पर क्लिक करोगे तो आपने मोशन को छोड़ देना है और शेप ट्वीन पर क्लिक कर देना है। आज मोशन पर क्लिक नहीं करना, शेप पर क्लिक कर देना है। और अब इसे कंट्रोल एंटर करके देखते हैं, तो आज हमने क्या ड्रॉ किया, तो ये देखिए जी, आज हमने एक इंटरेस्टेड सी शेप ड्रॉ करके दिखाई मैंने आपको, कुछ यूँ, जैसे कि इसे मैं क्लिक कर देता हूँ फिर से, आगे क्लिक करता हूँ फिर से, यहाँ पर F7, और F7 करने के बाद यहाँ मैं कुछ मज़ीद शेप ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे कि अभी हमने ड्रॉ किया था सर्कल रिक्टेंगल, अब मैं फिर से उसका कर लेता हूँ, एक यहाँ पर बड़ा सा रिक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, कुछ इन